बहुत ही प्रिय स्थान है। गुरुदेव कार्तिक परिक्रमा यद्यपि पूरी ही करते थे, जब गुरुदेव लास्ट में अस्वस्थ हो गए कुछ सालों में, तब गुरुदेव किसी स्थान पे जाए ना जाए लेकिन इस स्थान पे जरूर आते थे। क्यों? क्योंकि ये जो टेर कदम है ये हमारे रूप गोस्वामी जी की भजन कुटी है और हमारे कीर्तन बोलते हैं, सुनी आछी साधु मुखे भले सर्व जाना, श्री रूप कृपाए मिले युगल चराना। सुनी आची साधु मुखे भले सर्वजन, सर्वजन का अर्थ है यहाँ पे सारे जन, यानी कि जितने भी साधु हैं, सारे के सारे साधु क्या कहते हैं, एक ही स्वर एक ही कंठ से सारे साधु यही बोलते हैं, श्री रूप कृपाएं मिले युगल चरण। जब तक रूप गोस्वामी जी की कृपा नहीं होगी, सनातन गोस्वामी पाद जी की कृपा नहीं होगी, कभी भी किसी को राधा कृष्ण की भक्ति मिल ही नहीं सकती। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, जय सनातन रूप प्रेम भक्ति रस कूप युगल उज्ज्वल मय तनु, जहां प्रसादे सर्व लोक पाशीले सर्व शोक प्रकट जन कल्प तरु। बताया कि इस धरती पे एक प्रकट कल्प तरु है, वो कौन है? रूप और सनातन प्रेम भक्ति रस कूप, जो प्रेम भक्ति के रस कूप है, सबको प्रेम भक्ति प्रदान करने वाले हैं। तो इसी स्थान पे श्रील रूप गोस्वामी जी रह के भजन करते, तो उनकी तो बहुत महिमा है, हम लोग सुनेंगे। हम जितने भी लोग हैं सब लोग हम क्या बोलते हैं गौड़िया संप्रदाय में, कि हम सब लोग कौन है? रूपा रूपानुग। रूपानुग क्या है? रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में भजन करना। यहाँ पे एक बहुत विशेष लीला हुई है, हम लोग गुरुदेव हमें यहाँ पे लेके आते थे गोपाष्टमी के दिन, क्योंकि ये जो नंद गांव है, इस नंद गांव के अंदर भगवान कृष्ण की बहुत सारी वात्सल्यमय लीलाएं भी है। जैसे अभी हम ऊपर गए थे, हमने यशोदा मैया की कथा सुनी, अभी हाउ बिलाव जाएंगे, यशोदा कुंड जाएंगे, यहाँ पे यशोदा मैया की मटकी है, वही 5,500 साल पुरानी मटकी भी है आज तक। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं जो कि वात्सल्य रस का हृदय में उद्दीपन कराती हैं। और यहीं पे ही एक बहुत वीरमयी भूमि है इसी नंदगांव में, जिसको बोलते हैं उद्धव क्यारी, जहाँ पे राधा जी ने भ्रमर गीत प्रकाशित किया है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने जो सबसे पहले गैया चरानी शुरू करी, बताया वो यहीं से करी थी, इसलिए गोपाष्टमी के दिन हमें गुरुदेव यहाँ पे लेके आते थे। अभी धीरे धीरे कृष्ण जो है उन्होंने गो दोहन करना सीखा, कि कैसे गाय का दूध निकालते हैं। तो अपने पिताजी को बोलते हैं कि पिताजी मुझे सिखाओ गाय का दूध कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से गाय के पैर मानते हैं, किस प्रकार से बछड़े का मुंह थन पे लगाया जाता है, किस प्रकार से पात्र को पकड़ा जाता है, कैसे धार निकाली जाती है। तो नंद महाराज जी बोलते हैं कल मैं देखो बैठ के सब कुछ सिखाऊंगा। तो वहां पे कृष्ण बैठते हैं और यहीं पास में ही कृष्ण दूध की धारा निकालना शुरू करते हैं। जब पहली बार गोदोहन कर रहे हैं तो उनको पता ही नहीं पात्र कैसे फंसाना है, देखा है ना, नीचे बैठ के पात्र को दोनों टांग के बीच में फंसा के रखते हैं। तो वो दूध तो निकालते जा रहे हैं लेकिन सारी धार बाहर गिरते जा रही है, और इसको देख के जितनी गोपियां हैं नंद बाबा हैं बड़े प्रसन्न होते हैं। अब उतने में क्या होता है, जब वो दूध की धार निकाल रहे होते हैं, सामने से राधा जी आ रही होती है अपनी सखियों के साथ, तो कृष्ण धार को ऐसा निकालते हैं कि वो सीधा धार जाती है राधा जी के मुख पे, और राधा जी भी कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं। तो राधा जी क्या करती है, उनके गले में एक बड़ा सुंदर मोतियों की माला है, वो जान पूछ के उस मोती की माला को तोड़ देती है। अब सारे मोती टर टर करके गिर जाते हैं। अब राधा जी को भी मौका मिल गया कृष्ण दर्शन करने का, वो नीचे झुक के एक एक मोती आराम आराम से उठाती रहती है और साथ में कृष्ण के दर्शन करती रहती है। मानो जब कृष्ण गाय का दूध निकालते हैं तो जो दूध जिस पात्र में दूध आता है उसमें ही कृष्ण की छवि पड़ रही है, उसी छवि को देख के मानो ऐसे लगता है कि चंद्रमा, मानो वही चंद्रमा जो पहले सागर से उदय हुआ था, आज वही चंद्रमा कहाँ से उदय हो रहा है, वही चंद्रमा आज क्षीर सागर से उदय हो रहा है। कृष्ण की अनेकों अनेकों वात्सल्य लीलाएं हैं। यहीं पे ही इसी नंदगांव में ही एक दिन क्या होता है, कृष्ण आज बड़ी सुंदर एक माखन की मटकी है, उस माखन की मटकी के अंदर जब पूरा मक्खन खत्म हो जाता है तो क्या रह जाते हैं, चिकनाहट रह जाती है। जब उस चिकनाहट में अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं, अपना ही प्रतिबिंब देख के डर जाते हैं, कहते हैं अरे वाह अब मुझे समझ में आई, ये यशोदा मैया बार बार मुझे डांटती क्यों है, मैं सोचता था इसका एक ही लाला है, इसके तो कितने लाले हैं, इसके तो दो दो लाले हैं, और मेरे को तो मैया थोड़ा सा मटकन देती है, मटके में से थोड़ा सा माखन देती है, और इसको तो पूरा मटकी के अंदर घुसा के बिठा दिया है। तो फिर वो रोते रोते चले जाते नंद बाबा के पास, और नंद बाबा को जाके बोलते हैं कि देखो आज से मैं मैया का कभी स्तनपान नहीं करूंगा, ना मैया से माखन मांगूंगा, ना मैया के पास मिश्री के लिए जाऊंगा, यहाँ तक कि जब वो भोजन के लिए बुलाएगी तब भी उसके पास जाने वाला नहीं हो। क्यों? उसने मेरे को छल किया। क्या छल किया? मेरे को इतना सा माखन मिलता है और उसको पूरा का पूरा मटके में घुसा दिया। तो नंद बाबा कहते हैं
नहीं नहीं ऐसे छोड़ना होता है, उसको अपनी गोद में बुठाते हैं, उसको थोड़ा प्यार करते हैं और कहते हैं देख मटकी के अंदर मैं तेरे को दिखाता हूँ क्या सच है। अब वही मटकी जब कृष्ण नंद बाबा की गोद में बैठ के देखते हैं तो अब क्या देखते हैं कि बाबा बैठे हैं और मैं गोद में बैठा हूँ। एकदम से झटके उतर जाते हैं, झटके उतर के भाग जाते हैं मैया के पास, कहते हैं मैया मैं तो तेरी शिकायत लेके पिताजी के पास गया था और वहां पे देखा कि वहां पे तो तूने केवल लाला को अंदर बिठाया हुआ है, वहां तो बाबा खुद उसको गोद में बिठा के प्यार भी कर रहे हैं, तो ये तो बाबा तो और भी कपटी निकले। तो मैया फिर क्या करती है, मटकी को थोड़ा हिला देती है और हिलाने के बाद फिर कृष्ण को समझ में आता है कि ये तो मेरा अपना ही प्रतिबिंब था। तो ये वात्सल्य रस की बहुत सारी लीलाओं को समेटे हुए है ये स्थान, और यहीं से ही भगवान कृष्ण ने अपनी गैयाओं को चराना शुरू किया था। अब जब कृष्ण बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद कहते हैं कि देखो अब मैं बड़ा हो गया हूँ, गोप जाति का हूँ, तो आज से मैं गैया चराना शुरू करूंगा। तो यशोदा मैया जो है कहती है कि नहीं नहीं देखो तो किसी राजघर में जन्म लेना चाहिए था। जब यशोदा मैया को पता चलता है कि कृष्ण अब गैया चराने वन में जाना चाहते हैं तो मैया के ऊपर तो मानो महासंकट आ पड़ता है। तो इसको बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है कृष्णदास कविराज जी ने गोविंद लीलामृत के अंदर, जिसके अंदर यशोदा मैया बहुत रोना शुरू करती है और माता कहती है कि हाय हाय तेरा जन्म इस गोपकुल में क्यों हुआ, देखो तो किसी राजघर में पैदा होना चाहिए था, तेरे इतने कोमल अंग है और तू वन में जाएगा गैया चराने, इसको तो मैं सहन भी नहीं कर सकती। और फिर वहीं पे मैया क्या कहती है, ये ब्रजवासी जो है लगते हैं इन सबके जो हृदय वज्र के समान हो गए हैं, कैसे देखेंगे ये, देखो कैसे सोच भी सकते हैं कि तू वन में जाएगा गैया चराने। मैया पूरा मना कर देती है और नंद महाराज जी से बहुत जिद करते हैं कि कृष्ण नहीं, मुझे तो गैया चराने जाना ही जाना है, जो मेरे दादा ने करा परदादा ने करा उसी कुल में मेरा जन्म हुआ है, मैं भी गोप वंश का हूं, मैं भी गैया चराऊंगा। तो वहां पे किसी प्रकार से नंद महाराज जी ब्राह्मणों को बुला के एक तिथि निकालते हैं कि कौन सी तिथि में गैया चराने के लिए आरंभ करें। तो वो तिथि निकलती है गोप अष्टमी। तो आप आज गोप अष्टमी का दिन आता है और यशोदा मैया बहुत दुखी है कि कृष्ण आज गैया चराने जा रहे हैं। और कृष्ण कहते हैं कि देखो मैया तू चिंता क्यों करती है। तो मैया कहती है कि तू कैसे जाएगा वन में, मैं तेरे चरण पादुका लेके आती हूँ, क्योंकि कृष्ण ने अभी तक घर में तो चरण पादुका पहनी नहीं थी, वन में जा रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं मैया का चरण पादुका लेके आनी है तो एक पादुका से नहीं होगा, मेरी 900,000 गैया है और सबके लिए 4-4 चरण पादुका, कितनी लेके आनी पड़ेगी, 36,00,000 कुछ बनी भी है, जल्दी बता दिया 36,00,000 चरण पादुका। और छत्र, अगर छत्र लेके आना है तो मैं कैसे छत्र लेके जा सकता हूँ, क्योंकि मैं एक गोप हूँ, मैं गाय का पालन करने के लिए जा रहा हूँ, मैं गाय का स्वामी नहीं हूँ, मैं गाय का दास हूँ, तो कैसे मैं अपने सर पे छत्र धारण कर सकता हूँ। और मैया देख तू चिंता मत कर, देखो ये चिंता होती है ना कि मेरे चरणों में कुछ तिंका आदि ना लग जाए, तो मेरी एक गाय है जिसका नाम है क्या बोलते हैं उसको, सामली, मेरी एक गाय है सामली, वो क्या करती है उसकी जो पूंछ है, जैसे आपने देखा ना चामर होता है, चामर तो गाय की पूंछ से ही चामर निकलता है, तो वो उसकी बड़ी बड़ी पूंछ है, इसमें बहुत मोटे मोटे चामर है, मैं उस गाय को आगे रखूंगा और जब वो आगे चलेगी तो वो क्या करती रहेगी, झाड़ू मारती रहेगी, इसलिए मेरे को पैर में कोई तिनका लगने वाला नहीं है। और जितने मेरे सारे के सारे मेरे सखा है वो तो मेरे साथ ही जाएंगे, दाऊ जी भी तो मेरे साथ जा रहे हैं, तो तू क्यों मेरी चिंता करती है। और जहां तक रही भोजन की बात, तो मैया तो भोजन बना के देती भी है और साथ में धनिष्ठा के हाथों बोलते हैं कि धनिष्ठा के हाथों भेज देना, वहां पे हम सब लोग भोजन कर लेंगे। तो आज जब कृष्ण गौ चरण के लिए पहले दिन चलना शुरू करते हैं, सब ब्रजवासियों के जो नेत्र हैं बिल्कुल कृष्ण के ऊपर टिके हुए हैं। क्यों, अभी तक कृष्ण दिन में कहां पे रहते थे, इसी ब्रजपुर में ही रहते थे, लेकिन आज ब्रजवासियों को वीर होगा कि कृष्ण कहां पे जा रहे हैं, हमें छोड़ के वन में जा रहे हैं। और ब्रजवासियों के लिए तो कृष्ण का वीर किस प्रकार से है, महाप्रलय के समान है। तो वहां पे सब ब्रजवासियों को वीर होता है कि कृष्ण आज गौचरण करने जा रहे हैं तो क्या दशा होगी, यहाँ तक कि जितने पशु पक्षी हैं सब भी आ जाते हैं देखने के लिए। और कृष्ण जब अपने सखाओं के साथ चलना शुरू करते हैं तो मैया बोलती है बलराम जी को, बलराम जी तुम इसके बिल्कुल साथ में ही रहना, इसको एक क्षण के लिए भी मत छोड़ना, तुम इसके दाएं में रहना। श्रीदाम तुम इसके बिल्कुल बाएं में रहना। सुबल तुम इसके बिल्कुल पीछे पीछे चलते रहना। सारे सखाओं को मैया एक एक जगह बांध देती है कि कृष्ण को कभी भी छोड़ना मत, इसको कोई दाएं में कोई बाएं में कोई आगे कोई पीछे रहेगा। अब जब कृष्ण चलना शुरू करते हैं, 2-4 कदम आगे चलते हैं, जब 2-4 कदम आगे चलते हैं उतने में मैया भी पीछे पीछे चल रही है। अब कृष्ण देख रहे हैं कि अगर मैया पीछे पीछे चलती रहेगी तो मैं वन में लीलाएं कैसे करूंगा और गोपियों से भी मिलना है। तो कृष्ण पीछे मुड़ते हैं और माता को बोलते हैं अरे मैया मेरे को वन में जाना है सखाओं के साथ गैया का पालन करने, गैयाओं को चराने, तू तो यहीं पे रहे, तू क्यों पीछे पीछे आ रही है। और मैया को वहीं रोक के
फिर थोड़ा और आगे चलते हैं, जैसे थोड़ा और आगे चलते हैं और मैया की दृष्टि से जैसे मानो कृष्ण अंतर ध्यान होने वाले होते हैं तो मैया का जो चित्त है बिल्कुल विवल हो जाता है और यशोदा मैया भागी भागी आती है और भागी भागी आती है फिर कृष्ण को पकड़ लेती है और कृष्ण फिर मैया को सांत्वना देते हैं, अरे नहीं मैया तू क्यों चिंता करती है, दाऊ जी है, श्रीधाम है और मैं तेरे को वचन देता हूँ मैं वन के ज्यादा अंदर नहीं जाने वाला, बस थोड़ा आगे जाऊंगा भारी प्रकोष्ठ में ही वन की कुछ गैयाओं को चरा के आ जाऊंगा। और तू क्यों चिंता करती है, मैंने करना क्या है, मैंने तो वहां पे जाके केवल बैठना है, पेड़ के ऊपर बैठ के क्या करना है, बंसरी बजानी है, इसलिए इसका स्थान का नाम है टेर कदम, टेर मतलब होता है बुलाना, बुलाना। कृष्ण कहते हैं कि मैं मैया बंसरी बजाऊंगा, मेरी बंसरी की तान पे ही सारी चली जाएंगी गैया और सारी वापस आ जाएंगी। इसलिए कृष्ण क्या करते थे, जब उनके पास एक बड़ी सुंदर माला थी उस माला पे क्या करते थे, एक एक गैयाओं को नाम गिनते थे कि कौन आई है कौन नहीं आई, अगर कोई नहीं आई होती थी मानो कि कोई गैया वापस नहीं आई है तो कृष्ण क्या करते थे उस अपनी बंसी की तान पे ऐसी धुन छोड़ते थे कि जो उसी गाय का ही नाम लेके बुला रही है, क्योंकि उनकी गाय के एक एक नाम थे, शामली धामली पिंगले, पीछे बहुत सारी महाराज जी ने गैया बनाई उस पर नाम लिखे हुए हैं, तो वो एक एक गाय का नाम लेके बुलाते थे। तो एक गैया सोचती थी कि इसने सबका नाम तो लिया मेरा लिया नहीं है, तो गाय मान करके बैठ जाती थी। तो कृष्ण फिर स्पेशली बंसी बजा के उसी का नाम लेके उसको ही बुलाते थे और एक एक नाम गिनते थे कि सारी आ गई और फिर वापस चले जाते थे। तो बोले मैंने करना क्या है, गायों ने अपने आप चरना है, बाकी काम मेरी बंसी ने करना है, तो मैया तू क्यों चिंता करती है। किसी प्रकार से माता को सांत्वना देते हैं और किसी प्रकार से यशोदा मैया और वो वहीं पर रुक जाते हैं और फिर कृष्ण आगे वन को चले जाते हैं। मानो बताया कि कृष्ण जब जा रहे हैं तो ब्रजवासियों के जो हृदय है वो साक्षात जो उनके प्राण है वो कृष्ण के नेत्र रूपी पिंजरे के अंदर ही बंद हो गए। और कृष्ण जब वहां से वन से वापस चले जाते हैं तो बताया कि यशोदा मैया ऐसे लगता है मानो पुतली के समान ही केवल खड़ी रह जाती, क्योंकि प्राण कौन है, प्राण तो कृष्ण ही है ब्रजवासियों के, और इंतजार करते हैं कि कब संध्या होगी और कब कृष्ण वापस पुनः ब्रज में लौटेंगे। तो कृष्ण ने गैया चराने की लीला यहीं से ही आरंभ करी और कृष्ण जब अपने सखाओं से, क्योंकि देखो आज भी ये स्थान दूर तो है नहीं नंदगांव से, कृष्ण जब अपने सखाओं के साथ यहाँ पे आते हैं वन में, आते ही क्या होता है, कोई सखा जो बहुत धीर स्थिर रहता है घर पे जैसे ही वन में आता है बहुत उछलना कूदना शुरू कर देता है। और जब कृष्ण भी वन से वन की ओर आ रहे थे तो गोपियां कृष्ण के दर्शन कैसे करती है, गोपियां तो बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष दर्शन कर नहीं सकती, ब्रजवासी जो है गुरुजन है माताजन है वो तो कर सकते हैं। तो गोपियां जब कृष्ण के दर्शन करती हैं तो वो कैसे करती हैं, अपने नयन के कोने से, और जब नयन के कोने से दर्शन करती हैं तो जैसे मानो कृष्ण यूं जा रहे तो वो सामने साक्षात कृष्ण को नहीं देख सकती, उनको मुख अपना इधर करना पड़ेगा और नेत्र को ऐसे करके देखना पड़ेगा। तो वहां पे कोई सखा क्या करता है, एक गोपी की तरह जब वन में आए हैं गोपी की तरह अपने आप को सज जाता है ऐसे पूरा घूंघट करके और बार बार गोपियों की तरह ऐसे ऐसे कृष्ण को देखता रहता है कि मानो कृष्ण को चढ़ा रहा है कि देख अभी चुप तू वन से आ रहा था, मतलब वन आ रहा था तो गोपियां देखो कैसे देख रही थी। कोई सखा क्या करता है, कोई सखा वन में आने के साथ साथ गाना शुरू कर देता है, कोई सखा नाचना शुरू कर देता है, और कोई सखा जो है आपस में क्या करते हैं, एक सखा की आंख पे पट्टी बांध देते हैं, पट्टी बांधने का तो उसके दोनों हाथ ऐसे रख देंगे और सारे सखा आके उसके ऊपर हाथ के ऊपर हाथ हाथ रखेंगे और जिसकी आंख पे पट्टी बंधी है उसको बताना है कि ये कौन सा सखा है। कोई सखा अपने हाथ से डंडा लेके आता है और डंडा घुमा घुमा के कर्तव्य करता है। तो अनेक अनेक प्रकार से सखा लोग जब यहाँ पे आते हैं, मानो बताया कि जो सखा लोग थे वो अभी तक तो पिंजरे में बंद थे, क्यों, क्योंकि वहां पे कुछ इस प्रकार की उद्धरण कर नहीं सकते और वन में आते ही सारे खेलना कूदना शुरू कर देते हैं। कोई सखा क्या करते हैं, जो ऊपर से पक्षी उड़ रहे होते हैं ना, पक्षी के नीचे छाया पड़ती है तो छाया के साथ साथ भागना शुरू करते हैं कि कैसे हम पक्षी से और आगे जा सकते हैं। अनेक प्रकार से सखा लोग यहाँ पे बड़ी सुंदर सुंदर क्रीड़ाएं करते हैं और कृष्ण यहीं से ही अपनी उन्होंने गैयाओं को चराना शुरू किया। और इसी स्थान पे जब हमारे श्रील रूप गोस्वामी जी रहते थे, रूप गोस्वामी जी जब यहाँ पे बैठ के मिलन की लीलाओं को लिखते थे राधा कृष्ण की, तो जितने भी यहाँ के वृक्ष थे वो हरे भरे हो जाते थे। हरे भरे होने के साथ साथ उसमें बड़े सुंदर सुंदर पुष्प उसी समय खिल जाते थे और पुष्प से मधुर झरझर करके गिरनी शुरू होती थी। और जब रूप गोस्वामी जी अपनी विरेमयी लीलाओं को लिखते थे तो यहाँ के जितने वृक्ष थे वो सारे के सारे सूख जाते थे, उसके पत्ते भी पूरे सूख जाते थे। तो ये जो स्थान है, ये स्थान वो है जहाँ पे हमारे श्रील रूप गोस्वामी जी ने रह के भजन किया है और अनेकों अनेकों ग्रंथों को श्रील रूप गोस्वामी जी ने प्रकाशित किया है। तो इस टेर कदम स्थान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में भी जो रूप गोस्वामी जी के जो हमारा जो अंतिम प्रयोजन है, श्री रूप मंजरी पदा सेई मोरा संपदा सेई मोरा भजन पूजन सेई व्रत सेई तप सेई मोरा मंत्र जप सेई मोरा
सही मोरा मंत्र जप, सही मोरा प्राण धन, जो हमारे गुरुवरों की जिस प्रकार से रूप गोस्वामी जी के चरणों में निष्ठा है, इस स्थान पे हमारे हृदय में भी कुछ उनके प्रति निष्ठा हो और कोई ब्रज की लीला के प्रति हमारा भी लोभ हो। इतना ही बोल के मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि गोस्वामी की। हाँ मैंने सुन, यहाँ कैसे लग रहा है भाई? बढ़िया लग रहा है ना? लग रहा है कितना सुंदर, जैसे राधा कृष्ण कुंज में लीला करते हैं ना, कैसे लग रहा है जैसे कुंज है, बड़ा सुंदर है। अभी भी हमारे जो महाराज जी बैठे हुए हैं, इन्होंने ही ये जगह पहले इधर उधर था, लेकिन महाराज ने अथाह प्रयास करके बड़े सुंदर उन्होंने बनाया। गुरु जी भी इनको बड़े मदद करते थे, क्योंकि ये हमारी गौड़ीय वैष्णव का बड़े धरोहर स्थान है। यहाँ पर हम लोग तो जीवन में पहला बार यहाँ पर कौन आए? जीवन में पहला बार, हाथ उठाओ, किसने किसने जीवन में पहली बार आए? हाँ देखो, ये असली सब लीला स्थली है। ठाकुर ने जो साधारण लोगों को पता है, वृंदावन में जाओ, बांके बिहारी देखो और गोल गोप खा करके, बोले वृंदावन हो गया, हमारी वृंदावन दर्शन हो गया। इसलिए जब तक ये जगह में नहीं आओगे ना, समझो तब तक वृंदावन आने का पूरा फल आपको नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ पर कृष्ण अत्यंत अत्यंत रहस्यपूर्ण लीला ठाकुर जी यहीं पर किया है। इसलिए ये स्थान का नाम है टेर कदम्ब। टेर मतलब क्या है? टेर मतलब होता है बुलाना। कृष्ण यहीं पर, आप लोग श्रवण कर रहे थे, कृष्ण सर्वप्रथम वृंदावन में उन्होंने छोटे छोटे बछड़े को उन्होंने चरवाया है। कितना गौ ये चराबे नंद लाला, बहने फूलन की माला, गौ ये चराबे नंद लाला, बहने फूलन की माला, गौए चरा भी नंद लाला, फूलन की माँ। इसलिए भगवान जब उन्होंने पहले बछड़े को चरवाया, लेकिन ये मत समझो साधारण गैया बछड़े जैसे गैया है, नहीं, ये जो बछड़े और गैया है ना, कहते बड़े बड़े ऋषि, वेद का मंत्र, नारद, गरुड़ आदि, ये सब के सब गैया और बछड़े बन करके आए, वो साधारण नहीं है। कृष्ण जिन गैया को चराया करते थे वो साधारण बछड़े और गैया नहीं थे। इसलिए भगवान जब पहले बछड़े को चरवाया, अभी जब धीरे धीरे वही बछड़ा जब बड़े हो गए ना, जब बड़े हो गए और ये कृष्ण को छोड़कर के वो जाना ही नहीं चाह रहे, और जाना ही नहीं चाहते, जाएंगे तो कृष्ण के साथ में जाएंगे, नहीं तो हम जाएंगे नहीं। फिर यहीं से फिर नंदगाम जब आए, यहीं से उन्होंने फेरे गैया चराना शुरू किया। पहले तो उन्होंने वृंदावन में बछड़े चराना शुरू किया, यहीं से उन्होंने गैया चराना शुरू किया। बोले गैया क्यों चराने के लिए गए? यार बहुत सारी कारण है, एक विशेष कारण है, जब वो बछड़े चराया करते थे थोड़ी दूर, नंद बाबा बोलते थे घर में तो नौकर चाकर की कमी है ही नहीं, नंद बाबा तो पहले मना करिए, लेकिन कृष्ण बलराम इतने मचले गए, नहीं बोले नहीं हम जरूर हम गैया चराएंगे, जरूर हम, जब मचले गए इतने में कृष्ण फिर गैया क्यों चराना चाहते? बोले कारण है, बछड़े तो आसपास में चरा लेते थे, लेकिन अभी तो सखाओं को साथ में लीला की, लेकिन कृष्ण का जो कैसर वैसा आ गया ना, अभी उन्होंने गोपियों को साथ में लीला करना चाहते, राधा रानी को साथ में लीला करना चाहते। कृष्ण देखा अगर बछड़े चराएंगे तो घर को आसपास में कहां गोपियों को साथ में, राधा रानी को साथ में हम कहां मिलन कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण यहीं से ही इन्होंने घर घर में मालपुआ और खीर खा करके कृष्ण बलराम यहीं से, देखो सामने जो खड़े हैं ना, देखो कृष्ण बलराम खड़े हुए हैं, क्योंकि महाराज जी यहाँ पर कृष्ण बलराम को स्थापन किया, क्यों यहीं से ही कृष्ण बलराम दोनों भैया यहीं से गैया चराना शुरू किया। जब इसी पेड़ यहाँ पर विशाल कदम वृक्ष, यहाँ पर तो पहले कदम और तमाल वृक्ष से चारों तरफ भरा हुआ था, एक कदम एक तमाल, एक कदम एक तमाल, पहले तमाल वृक्ष किसका स्वरूप है? कृष्ण, जैसे कृष्ण काले देखना, तमाल वृक्ष भी काले, जैसे कदम राधा रानी जैसे गोरी गोरी है, और कदम वृक्ष भी देखने में गोरी, यहाँ पर एक तमाल एक कदम, मतलब एक राधा एक कृष्ण, एक राधा और एक कृष्ण। इसलिए हम थोड़ी इसको बाद में वहां जाएंगे, बड़े सुंदर स्थान है, महाराज ने बड़े कष्ट करके वहां पर भी कदम वृक्ष उन्होंने वहां पर कदम वृक्ष उन्होंने रोपण किया, बहुत अच्छे सेवा किया महाराज ने यहाँ पर। इसलिए जब यहीं पर कृष्ण कभी कभी ये वृक्ष को ऊपर में टेर मतलब बुलाना, कभी कभी कृष्ण इस यही पर वृक्षों को ऊपर चढ़ करके गोपियों का नाम को जगौ कलो बाम दृशा मनोहरा, उन्होंने कभी कभी उन्होंने बंसी से उन्होंने ये क्लिंग शब्द उच्चारण करते थे, जो क्लिंग शब्द ये बीज मंत्र है, उसमें पांच अक्षर है, जैसे कल ल
ही चंद्र और बिंदु, का मतलब कृष्णा, ला मतलब श्रीमती राधा रानी, ई मतलब राधा कृष्ण का मिलन, चंद्र बिंदु मतलब जो न मिलने पर जो आनंद प्राप्त होता है। इसलिए कृष्ण तो क्लिंग शब्द उच्चारण करते थे, लेकिन राधा रानी क्या सुनती थी, बंसुरी से केवल राधे 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 का नाम, और ललिता सुनती थी बंसुरी से केवल ललिते 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 ललिते, विशाखा सुनती थी केवल बंसुरी से विशाखा, लेकिन कृष्ण ऐसे कृष्ण बंसी ध्वनि की ऐसे उनकी करामती थी। इसलिए इसी वृक्ष के ऊपर में कृष्ण चढ़ करके बंसुरी बजाया करती थी, और यहीं पर उन्हें गैया चराया करते थे। हम पहले सुना ना, जैसे हम लोग माला जप करते हैं, कृष्ण भी माला जप करते हैं। हम तो भगवान का नाम जप करते हैं, कृष्ण किसका नाम जप करते हैं, अपना भक्तों का राधा रानी का नाम को जप करते हैं। इसलिए कभी उन्होंने 108 मोतियों में 108 ग्रुप इनकी गैया है, जब उन्हें जब सारे गैया यहीं आ जाए करते थे, वो मिला मिला कर देखते थे ये ग्रुप की गैया आ गई कि नहीं, ये ग्रुप की गैया आ गई, जो आ गया जो नहीं आए कृष्ण उसको फिर उसका नाम लेकर के श्यामली धवली कृष्णा कालिंदी बोल करके नाम उच्चारण करते थे, उच्चारण करते थे, नाम भुलाते ही वो गैया जितना दूर क्यों नहीं हो एकदम पूछ खड़े करके एकदम भागते भागते यहाँ आ जाते थे। अभी कृष्ण जिनका नाम लिया तो खुश हो गए, अभी कृष्ण जिनका नाम नहीं लिया दूसरे दूसरे गैया मेरे मान करके लेती है, बोले कृष्ण तो उसी गैया का नाम पुकारे, लेकिन कृष्ण तो मेरे नाम पुकारे, वो कभी मान कर लेते हैं। कृष्ण क्या करते फिर उसी गैया का नाम लेकर पुकारते थे, फिर वो खुश हो जाता था। इसलिए इसे वृक्ष का नाम टेर कदम, और यहाँ ब्रजवासी लोग कहते हैं जिस समय कृष्ण उन्होंने बछड़े पा गैया चराने के लिए गए, इतने में मैया यशोदा कहती है, बोले लाला तेरे को छोड़ करके मैं कैसे रह सकती हूँ, अगर तुम गैया बा बछड़े चराने के लिए जाओगे फिर तुम्हारी विरह को मैं कैसे सहन करूंगा करूंगी। इतने में कृष्ण कहते क्यों मैया, जिस समय बच्चों को साथ में खेलता हूँ तभी तो तेरे पास से दूर रहता हूँ ना। बोले लाला तू जो बच्चों को साथ में खेलते हो, जैसे बच्चे लोग देखना खेलते समय किलकारी मारते ना जोर जोर से, बोले लाला मैं घर में तो रहती हूँ लेकिन तुम्हारी जो किलकारी का शब्द है मेरे कानों में आता है, मेरे को तसल्ली मिलता है, लाला कहीं दूर नहीं, लाला पास में। कृष्ण बोले मैया मैं भले ही जितने दूर क्यों नहीं जाऊं वहीं से इतने जोर से मैं किलकारी मारते रहूंगा, तुम घर में बैठी बैठी करके मेरे किलकारी शब्दों को तुम सुनते रहोगे हैं। इसलिए टेर मतलब होता है कृष्ण कभी इतने जोर से किलकारी मारते थे, मैया जसोदा कभी जो नंद भवन से आए ना, मैया जसोदा वहीं से ही कृष्ण का किलकारी शब्द को सुन करके अपना मन को सांत्वना दिया करती थी। इसलिए ये स्थान का नाम भी टेर कदम है, और यहीं पर अब लोगों ने श्रवण किया हमारे रूप गोस्वामी यहीं पर भजन करते थे, जब यहीं पर भजन करते थे, और हम जाएंगे इसको बाद में, एक है पावन सरोवर, वहां पर श्री सनातन गोस्वामी भजन करते थे। सनातन गोस्वामी बड़े भाई, ये छोटे भाई, ये रूप मंजरी वो लवंग मंजरी, यहीं पर बैठ करके भजन करते थे। उनकी लेखन की इतनी शक्ति थी, जब उन्होंने राधा कृष्ण की विरहात्मक कोई श्लोक रचना करते थे, उनकी लेखनी में इतनी शक्ति, जो वृक्ष है ना वृक्ष का पत्ता सबके सब सूख कर गिर जाती थी, उनके लेखन में इतने शक्ति। लेकिन जब राधा कृष्ण का मिलनात्मक कोई कविता जब लिखते थे फिर पेड़ में नहीं 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 पता खिल जाती थी, मतलब उनके लेखनी में इतने शक्ति है। इसलिए कभी कभी श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को पास में, सनातन गोस्वामी कभी कभी रूप गोस्वामी को पास में आते थे, और दोनों भैया बैठ करके आपस आपस में हरि कीर्तन, आपस आपस में हरि नाम, आपस आपस में हरि चर्चा करते थे। एक दिन सनातन गोस्वामी यहाँ पर आए छोटे भाई को पास में आ करके दोनों आपस में हरि चर्चा कर रहे हैं। हरि चर्चा करते 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 क्यों, संतों का जो लक्षण है देखो, ये कृष्ण खुद कहते हैं, कहते मेरे भक्तों का क्या लक्षण है, ऐसे नहीं जिसको साथ में मिलो क्या कर रही थी, आज घर में क्या खाना बना, तेरे सास क्या कर रही थी, उसका बहू क्या कर रही थी, नहीं कहते भक्त लोग कभी ये दुनियादारी का बात कभी नहीं करते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, बोले मत कथा मत गता चिंता बधयन्ते परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। देखो ध्यान देकर सुनो, कृष्ण खुद कहते मेरे भक्तों का लक्षण क्या है, मेरे भक्तों करते हैं क्या, मेरे भक्त कभी दुनियादारी की बात नहीं करते हैं, जब आपस आपस मिलते हैं मत कथा
कद मेरी कथा छोड़ करके और कुछ भी नहीं करते हैं। मद गता चिंता हृदय उनका किसकी चिंता करती है, कद मेरा ही चिंता करते हैं। आपस आपस में जब चर्चा करते हैं मेरी कथा और मेरी कथा ही इनका जीवन का प्राण सर्वस्व। मेरी कथा को छोड़ करके और जगत में कोई दुनियादारी की बात कभी नहीं करते हैं। जब यहाँ पर आए दोनों भैया कृष्ण कथा में ऐसे डूब गए, ऐसे डूब गए। अभी रूप गोस्वामी अभी सोच रहे जैसे एक भाई दूसरे भाई को पास में जाए, कुछ तो खिलाते है ना घर में, जैसे कुछ खिलाते हो। अभी सोच रहे भैया बड़े भाई आए बड़े दिन में क्या खिलाए, उनको पता है भैया बड़े भैया को क्या प्यारा है, उनको पता है उनको प्यारा है खीर। क्या है खीर? हाँ परमान खीर। आज खीर खाएगे नहीं, क्या खाए हो, कौन सा खीर? सिमा का खीर खाए हो। इसलिए हमारे महाराज जी जो खड़े है ना, जब हम गोपाष्टमी में आते हैं, महाराज को पता नहीं था, अगर हम आते उनको पता चलते तो महाराज जी हम लोग बड़े प्रेम करते हैं हम लोगों को महाराज जी, इसलिए बड़े खीर बड़े पकौड़ा महाराज जी बना बना करके हम लोगों के लिए महाराज देखो मुस्कुरा रहे हैं खड़े होकर के, इसलिए इसलिए हम लोगों के लिए बड़े प्रेम, हम सब गुरु भाई लगते हैं आपस में, इसलिए रखते थे। इसलिए उन्होंने देखा भैया को बड़े खीर बड़ा प्यारा है, तो उन्होंने सोच रहे अगर मेरे पास में खीर होता तो हम बड़े भैया को खिलाते। लेकिन आज से कितना साल पहले, करी करी समझो 5.5 साल पहले की कथा है। इस समय केवल घना घोर जंगल और कुछ नहीं, यहाँ पर पूरा जो हम वृंदावन की जो कथा सुनते हैं सारे वृक्ष कदम तमाल जुई बेली चमेली, उस समय चारी तरफ घना घोर जंगल। क्यों? भगवान लीला की है। उस समय तो और कुछ थी नहीं, अभी कहाँ से खीर लाएंगे, कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से चावल खीर और कहाँ पर काजू किशमिश आएगा। लेकिन इसे राधा रानी इतने में चिंता कर रही है। राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु है राधा रानी। इसलिए जब तक श्री किशोर जी की कृपा नहीं होना भैया वृंदावन में कुछ भी मिलने वाले नहीं, कोई वृंदावन रह भी नहीं सकते, कोई भजन भी नहीं कर सकते हैं। श्री किशोर जी की कृपा से ही कोई ब्रजवास कर सकते हैं। और सबको पालन करने वाले कौन है आप बताओ? घर में रोटी सब्जी कौन खिलाते हैं? बाप खिलाते ना, माँ खिलाती है, मैया खिलाती है ना। देना माँ बोलो ना, मुँह अपने आप खुल जाती है। मतलब क्या? मैया जरूर कुछ खिलाएगी। इसलिए अभी राधा रानी की चिंता हो गई, क्योंकि कृष्ण गीता में प्रतिज्ञा किए हैं, बोले अनन्यास चिंतयन्त माम जे जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगाक्षयं वहामि अहम्। देखो ठाकुर जी कितने बड़े प्रतिज्ञा लिए हैं। कृष्ण कहते हैं जो मेरे अनन्य रूप में भजन करते हैं, मेरे सिवाय और किसको पूजा नहीं करते हैं, मेरी भजन मेरा नाम मनमना भव मत भक्त माम जाजी, जो संपूर्ण मेरे रसों में मेरी भक्ति में जो संपूर्ण सराबर रहते हैं, उसके लिए मैं दो काम करता हूँ। क्या दो काम करते हैं? घर में जो चीज नहीं, कृष्ण कहते सर पर रख करके मैं स्वयं धो करके पहुंचाता हूँ जो घर में नहीं। और जो चीज घर में है, भगवान खुद कहते हैं मैं एक चौकीदारी बनकर उसकी रखवाल करता हूँ। इतने बड़ी प्रतिज्ञा ठाकुर जी भगवत गीता में उन्होंने ग्रहण किया। अभी दोनों भैया आपस में हरि चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा? राधा रानी की कथा, कृष्ण की कथा। अभी राधा रानी को चिंता लग गया। क्या चिंता? घर में बच्चा खाया कि नहीं खाया, पति खाए कि नहीं खाए, कौन चिंता करता है? बोलो जोर से, बोलो एक बार जोर से बोलो। कुछ माता है बढ़िया प्रसाद मांग रहे सो रहे, सब बोलो बोलो बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। और जोर से बोला बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए समस्त जगत का माता कौन है? श्रीमती राधा रानी। एक स्वरूप में ये माँ भी है, हैं? इसलिए अभी राधा रानी को चिंता लग गया। बोले क्यों? कहते मेरे हाँ मेरे संतान मेरे सखी मेरी मंजरी यहाँ पर बैठ करके मेरी चर्चा कर रही, श्याम सुंदर की चर्चा। इतने में राधा रानी छोटी सी बालिका बन गई, बन करके दूध चीनी किशमिश बादाम काजू लेकर के राधा रानी आ गई। आकर बोले बाबा बाबा लो इस है देखो राधा रानी आ गई। अरे ताली बजाओ। बोले महाराज की देखो हम तो सोच रहे थे मिलेगा नहीं, लेकिन राधा रानी देखो सब चिंता करके रखती है।
राधा रानी बोले दयालु ना, बड़ी कृपाल राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की। इतने में राधा रानी आई, आ करे के उन्होंने क्या की, बोले बाबा बाबा लो ये दूध और चीनी किशमिश काजू लो, खीर बना कर खा लियो। लेकिन वो तो कृष्ण कथा में मस्त है। बोले लाली तू रख करके चला जा, जब कथा की विश्राम होगा हम बना लेंगे। लेकिन इनकी कथा ही विश्राम नहीं, इसलिए भगवान कहते हैं ना, मैं कहाँ रहता हूँ, मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। नारद हे नारद, मैं केवल वही रहता हूँ जहाँ पर मेरे भक्त मेरी कथा करते हैं, मेरी कीर्तन करते हैं। इसलिए राधा रानी सह नहीं सकी, क्योंकि उनकी कथा उनकी कीर्तन, राधा रानी फिर घूम फिर करके आ गए। बोले बाबा बाबा हम मैं ही बना देती हूँ, आप आपस में हरी चर्चा करो। इतने में राधा रानी सर्व लक्ष्मी मई फटाफट कंडा धराया आग और खीर बनाए। बोले बाबा खा लीजियो, हमें जा रही हूँ। बोले लाली कोई चिंता मत करो। बड़े देर से इनकी कथा विश्राम हुई। इतने में रूप गोस्वामी देखा कोई एक छोटी लाली आई थी। बोले मैं खीर बना कर गई हूँ, मैं देखता हूँ, जाकर तो देखा बड़ी सुंदर खीर। तब उन्होंने कृष्ण को तुलसी दल देकर भोग लगाए और जो बड़े भैया को खिलाए ना, किसको, श्री सनातन गोस्वामी को जो खिलाए। जीवन में बहुत तो खीर खाए, लेकिन आज खीर किसने बनाई, जोर से बोला, राधा रानी। कौन है, अमृत हस्ता दुर्वासा जी ने भर दिया, वरदान दिए है। तुम्हारी हाथ की भोजन जो करेगा वो कभी मरेगा नहीं, दीर्घायु बनेगा, शरीर में कभी बीमारी नहीं होगी। अमृत हस्ता जो कुछ बनाई वो अमृत बनाई राधा रानी। और भोजन कराया किसको, भोजन किसने की, कृष्ण। अर्पण किसने किया, श्री रूप गोस्वामी। समझो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, तद अहम उपहित असनामी प्रजत आत्मन। भगवान किस चीज को ग्रहण करते हैं, भगवान भूखे नहीं है, भगवान तो अनंत कोटि विश्व ब्रह्म मालिक। लेकिन भक्त भक्ति को द्वारा जो वस्तु प्रदान करते हैं वो ठाकुर जी जरूर ग्रहण करते हैं, क्योंकि भक्त वत्सल श्री भगवान। जब श्री सनातन गोस्वामी खाए खीर को, इनकी रोम रोम खिली उठा, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग गया। बोले रूप तुमने कुछ मन मन में सोचा था। बोले हाँ मैंने सोचा आप बड़े दिनों में आए हो थोड़ी सी खीरी खिलाने के लिए। बोले रूप ये घनाघोर जंगल में तुम्हारी भावना को कौन समझे, कौन समझे। और खुद लेकर के आई ऐसे नहीं, वो स्वयं अपना हाथों से बना कर गई खीर, खा करके देख उसमें क्या स्वाद क्या टेस्ट है। सचमुच से जरूर रूप गोस्वामी खाए ना खीर, इतने टेस्ट जिंदगी में कभी ऐसी खीर उन्होंने नहीं खाए। इतने में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों राधा रानी के चरण में अपराध की मार्जना की। बोले आप हमारी ठाकुरानी, आप हमारी स्वामिनी, कहा आपकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन आज आप स्वयं आकर के हमारे लिए खीर बना कर गई, हमारी अपराध हो गया, माफ कर दो राधा रानी। दोनों भैया ने माफ मांगी। इसलिए यहीं पर ही राधा रानी ने खीर बना करके उनको खिलाई थी। इसलिए ये स्थान इतने पवित्र स्थान, जो पीछे है ना, अभी हम जाबट से आए, ये पीछे जाबट है, हम गाड़ी में घूम घूम कर गए इसलिए समय लगा। और ये नंद भवन, इधर नंद भवन, ये जाबट, यहीं से ही श्री राधा रानी रोज अपना कुंदलता को साथ में, अपना मंजरी सखियों को साथ में, राधा रानी इधर से होते हुए रोज जाया करती थी नंद भवन में। और नंद भवन में कृष्ण के लिए रोज उन्होंने सुंदर सुंदर उन्होंने पकवान बनाया करती थी और कृष्ण भोजन करते थे। और आप लोगों ने श्रवण किया, यहीं पर ही श्री रूप गोस्वामी यहीं पर बैठ करके समस्त ग्रंथ आदि को रचना की। और उन्होंने उज्ज्वल निर्मणि भक्ति रसामृत सिंधु अपूर्व ग्रंथ को उसने रचना किया श्री रूप गोस्वामी। इसलिए हमारी अगर हमें कोई प्रश्न करे ना, तुम लोगों का क्या परिचय है, हाँ अच्छे तरह से सुना, सो करके ध्यान देकर सुना, हाँ क्यों हमारी गौड़ीय संप्रदाय कितना महत्व है। यद्यपि दूसरे दूसरे संप्रदाय में राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, लेकिन हम भी राधा कृष्ण को सेवा करते हैं, लेकिन उनकी सेवा करना हमारी सेवा करना में क्या फर्क है। कहते ये फर्क है, अगर हमें कोई पूछे भैया तुम्हारी क्या परिचय है, हम लोग अपना परिचय देते हैं, रूपानुग गौड़ीय वैष्णव, मतलब श्री रूप गोस्वामी की अनुगत्य में बा रूप मंजरी की अनुगत्य में हम सबके सब भजन करते हैं। भैया रूप गोस्वामी की अनुगत्य में क्या विशेष फल है, इनकी अनुगत्य करने से विशेष क्या फल है,
तो कहते इनकी अनुगत्य करने पर राधा कृष्ण जी अब श्री निकुंज में लीला करते हैं, जिस लीला में इसलिए कृष्ण के तीन तरह का सखियां हैं। कितने तरह का सखियां हैं? बोले स्वपक्ष, विपक्ष और तटस्थ। तटस्थ मतलब होता है जो कृष्ण को भी प्रेम करते हैं और राधा रानी को प्रेम, दोनों को करते हैं, हैं? ये कुछ सखियां होती है जो केवल कृष्ण को ही प्रेम करती हैं, लेकिन कुछ सखियां होते हैं केवल श्री राधा रानी को प्रेम करने वाली है। राधा रानी के सुख में सुखी और राधा रानी का दुख में दुखी है, इनको स्वपक्ष कहते हैं। लेकिन जब राधा जी की अनुगत्य संपूर्ण कब प्राप्त होगा? जब श्री रूप गोस्वामी के अनुगत्य कोई करेगा, यही रूप मंजर ही जीव को राधा कृष्ण की निकुंज लीला में प्रवेश कराने वाले हैं। जहाँ पर ललिता विशाखा आदि भी जिस लीला में प्रवेश करने के लिए संकोच बोध करते हैं, लेकिन श्री रूप गोस्वामी के अनुगत्य करने पर राधा कृष्ण की संपूर्ण लीला रस में यही लोग ही प्रवेश कर पाते हैं और इनकी पूर्ण सेवा इनको ही प्राप्त होता है और किसको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमारे संप्रदाय में जितने संत लोग हुए हैं सबके सब एक चीज को प्रार्थना की, हम रूपानुगत होकर के कब राधा कृष्ण की सेवा में हमारी प्रवेश अधिकार प्राप्त होगा। इसलिए इन्होंने इतने ग्रंथ लिखे जो आप सोच नहीं सकते, इसलिए आप लोग कोशिश करना इनके ग्रंथों को थोड़ी सी पढ़ने के लिए। भक्ति रसामृत सिंधु सिंधु जिसमें भक्ति रस की समुद्र, उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ जिसमें राधा कृष्ण की, गोपियों की, राधा जी की भाव को, दिव्य भाव को जहां पर प्रकाशित किया, अद्भुत अद्भुत इन्होंने ग्रंथों को इसने रचना की। एक ग्रंथ रचना किया जिसका नाम था चाटू पुष्पांजलि। क्या नाम था? जोर से बोला। इन्होंने राधा रानी की संपूर्ण श्रृंगार को उन्होंने वर्णना किया। उन्होंने श्रृंगार वर्णना करके राधा रानी क्या क्या धारण करती हैं, तब उन्होंने बड़े भाई सनातन गोस्वामी को दिए, बोले भैया मैं एक राधा रानी की श्रृंगार की वर्णना करके आप देखो। सनातन गोस्वामी देखा बड़े सुंदर ग्रंथ है, बड़ी सुंदर राधा रानी की महिमा श्रृंगार की वर्णना की। इतने में सनातन गोस्वामी मन में एक शंका हो गई, बोले क्यों? बोले राधा रानी का जो चोटी है ना, जब उन्होंने राधा रानी की चोटी की वर्णना की, वो उदाहरण देते ने बाल ब्याला गिणीपना। राधा रानी की चोटी कैसे मानो जैसे नागनी, हाँ जैसे काला नाग सांप जैसे उन्होंने उदाहरण दिया। इतने में सनातन गोस्वामी बोले रूप ग्रंथ तो सुंदर रचना की, लेकिन तुम्हें राधा रानी की जो चोटी को ना तुम्हें जहरीले सांप के साथ उदाहरण दे दिया और कोई उदाहरण मिला नहीं। राधा रानी का क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी रमेश्वरी खेमेश्वरी श्री राधिके नमस्तुते, कहा समस्त ईश्वरी की ईश्वरी कृष्ण की लादनी शक्ति, और कोई तुम्हारे पास में उदाहरण नहीं था राधा रानी का चोटी को, काला नागिनी को साथ में उदाहरण दे दिया। लेकिन रूप गोस्वामी की लिखनी कैसे, जैसे साधारण कवि लोग जब कोई लेख लिखते हैं ना क्या करते हैं, वो अपना मन की कल्पना को एक रूप देते रूपक देते हैं, वो झूठ मूठ का चीज को तो वर्णना कर देते हैं। लेकिन जब संत लोग लिखते हैं ना ऐसे नहीं, रूप गोस्वामी तो रूप मंजरी, वो अपना निज नेत्र से कहते प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय सुलोकती, वो भक्ति योग समाधि के द्वारा जैसे भगवान की लीलाओं को दर्शन करते वैसे लिखते हैं। उन्होंने जैसे देखा वैसे लिखे। लेकिन बड़े भाई बोले अगर थोड़ा सुधर जाता तो अच्छा रहता। बोले ठीक है भैया मैं सुधार दूंगा। एक दिन सनातन गोस्वामी परिक्रमा कर रहे थे गिरिराज गोवर्धन की, रिमझिम बारिश हो रही थी। जब उन्होंने राधा कुंड में पहुंचे ना, देखा सुंदर कदम वृक्ष है, सुंदर झूला डला हुआ और बीच में 13.5 साल की बड़ी एक सुंदरी किशोरी झूला में बैठी है और अगल बगल में कुछ उनकी सखियां झूला रही है। लेकिन राधा रानी का केस कैसे है, बोले सर से लेकर प्यार तक इतने बड़ी बड़ी चोटियां है, हाँ बड़ी बड़ी चोटियां एकदम सर से लेकर प्यार तक। अब लोग कोई बेणी अपना बनाए चोटी को, बेणी कौन कौन बनाए हो, बनाए ना, अब देखना जब बेणी बना ऊपर से मोटी नीचे से चोटी होती है। राधा रानी को सखियों ने उनको 3-4 चोटी बनाई और जब उन्होंने झूला में बैठी, वो झूला में बैठी चोटी तो बहुत लंबी, वो पीछे से झूल रही थी एकदम पीछे से, जब ऐसे झूल रही थी बाल काला होती है ना, काला होती है बाल और काला नागनी जैसे ऐसे लग रहा था जैसे राधा रानी झूला में बैठी हुई चोटी नीचे तक लटकी हुई, जब ऐसे झूलती है ना ऐसे लग रहा था जैसे पीछे से 3-4 काला नागनी सांप जैसे चढ़े हुए और राधा रानी को काटने के लिए जा रहे थे, एकदम नागनी जैसे लग रही थी। सनातन गोस्वामी दूर से देखा, बोले लाली लाली तुम लोग को दिख नहीं रहा है, उसको पीछे 3-4 सांप चढ़े हुए काटने जा रहे हैं। जब ऐसे बोल करके भागी ना, लेकिन बीच में कौन बैठी थी,
राधा रानी बैठी हुई थी, इसलिए सोचे साधारण कोई लाली होगी। इतने में जब गए ना, वो लाली से छोटी सी धीरे मीठी मीठी थोड़ा मुस्कुराई और देखते देखते वो लीला कहीं गायब हो गया। सनातन गोस्वामी बोले मैंने किया था स्वप्न ना, कोई लीला था। उनको याद आया, अरे श्री रूप गोस्वामी ने लिखा था राधा रानी का केस कैसे है, काला नागनी जैसे। अरे मैंने बोल दिया इसको सुधारने के लिए, सचमुच से रूप गोस्वामी जो लिखा सही लिखा है, इसमें कोई भूल नहीं। फिर आ करके बोले रूप तुमने जो लिखा है ना उसको सुधारने का कोई जरूरत नहीं, मैंने आज तुम्हारी कृपा से राधा रानी को मेरे दर्शन हुई है, स्वयं राधा रानी को झूला में झूलते हुए। और चोटी लग रहा था जैसे सचमुच से तीन चार चार एकदम नागनी काला नागनी जैसे ऊपर चढ़े हुए, तुम सुधारने का जरूरत नहीं। देखो इनकी ग्रंथ की इतने महिमा, वो जैसे देखते हैं वैसे ही है लिखते हैं। इसलिए उन्होंने यहीं पर बैठ करके ये समस्त ग्रंथ को उसने रचना की। अब समझो ये स्थान की कितने महत्व है। इसलिए हम लोग जो आए हैं गुरु जी की वैष्णव की कृपा से हम लोग यहाँ पर आए हैं, और महाराज जी ये स्थान को बड़े सुंदर रूप में रखने बखण करते हैं। आप लोग जथा जो वहाँ पर सभी ना कुछ प्रणाम देना, जैसे क्योंकि ये जो स्थली है ना धीरे 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 लुप्त होते जा रहे हैं। ये कुंडों को भी महाराज जी बड़े सुंदर कुंडों को भी संस्कार किए, वहाँ पर भी उन्होंने हम लोग यही प्रसाद पाने का था। हर साल हम लोग यही महाराज को पास में प्रसाद पाते थे, लेकिन जब हम आए यहाँ पर ऑलरेडी एक पार्टी यहाँ पर था, इसलिए हम लोगों ने फिर दूसरे जगह पर चले गए। लेकिन यहीं पर हम लोग बैठ करके प्रसाद पाते थे, इसलिए ये स्थान दिव्य स्थान है। इसलिए आप लोग जितने पैसा खर्चे किए हो समझो सारे पैसा खर्चा करना आपकी क्या हो गया, सार्थकता हो गया। इसलिए सुंदर गोपाल के लिए जोर से ताली बजाओ। और अगली बार क्या करना, एक एक भक्तों कितने भक्तों को लाओगे करना, 10 व्यक्ति को तभी ला सकते जब उनको कथा सुनाओगे, ठीक है ना। यहाँ से जाकर लग जाना सबके साथ, सब कथा सुनाना, और 100 ला सकते तो बहुत बढ़िया है। हाँ महाराज जी, देखो महाराज जी बड़े सुंदर बंसुरी बजाएंगे, बड़ी अच्छी अच्छी कथा सुनाएंगे। हाँ द्वापर युग में तो कृष्ण कैसे अभी जैसे फोन में हालो करते हैं ना, महाराज अभी बंसुरी बजाएंगे। देखो गोलोकनाथ प्रभु है या पे गोलोकनाथ नहीं चलेगे। अभी सिद्धार्थ महाराज आप लोग को खूब सुंदर कथा सुनाई, हम भी बड़े खुश हो गया एवं सुधे ऐसा नहीं कुछ भी मिले हैं, हम खोए बैठे हैं सारा जिंदगी, आज कुछ मिले हैं। तो यहाँ का जैसा महाराज जी कहा ना, हम एक गोवर्धन की एक छोटी सी कथा सुनाऊँ। हम परिक्रमा प्राय हर अमरस करते थे जब इमनीतला में रहा करें, तो अचानक एक देवाड़ में लिखा है, बिरह बिना प्रेम नहीं लभे, भूखे शेर घास नहीं खावे। बोले ये क्या चीज़ है, तो जब यहाँ आए ना समझ गया तो बिरह क्या है। हम अंतिम यहाँ के जो लीला वो सुनाना चाहूँ। अभी सुने ना, कृष्ण सारा दिन चले आते, शाम को लौटते हैं तो सब ब्रजवासी कृष्ण के बिरह से बड़े संतप्त हो जाते हैं। जैसा आप लोग का बिरह होता है, जो ऑफिसर दूर में काम करते हैं 8 बजने के बाद हेलो ना आए ना, हाँ अच्छा हेलो कर दे मैं आ रहा हूँ, तो सब हंस जाते हैं, चाहे 10 बजे आ जाए। तो ऐसा ही स्थिति है। तो क्या करते हैं, शाम के समय गौ को बुलाया ना, तो हम गौ को बुला रहा हूँ, वो कैसा आवाज़ देते हैं वो आप लोग की आवाज़ मिलना चाहिए, हैं कैसे 4 कलर के गौ सुना है ना, हम एक एक के बुलाऊंगो और लास्ट में आप लोग आवाज़ देना। और वो भी अभी खूब सुंदर ढंग से महाराज जी आपको समझा दिया, इसके ऊपर कोई रास्ता नहीं है समझाने के लिए, कि आप भी सब समझाने वाले हो। तो गौ माता कैसे है, दबली सबली लली कुमकुमी लाल गुलाबी चटकन मटकन हियो, तुरंत हर गौ माता ऐसे खान और मुंह से क्या आवाज को था ये आप लोग को, हम महाराज क्या कहेंगे, हमारे सब भक्तों को गौ माता बना दी, कितने बड़े बाप के बेटी बेटा आए, कितने भजन करे। अरे भैया गोलोक में ना गो रहते हैं, इसीलिए ये लीला सुनते ही माँ जसोदा दी सब बड़े से बड़े बिरह से आनंद मिलते हैं। बिरह के बाद मिलन के आवाज मिलने से आनंद होते हैं,
ये साइन करने के लीला अभी अभी आप लोग सब हाथ हाथ में खींच देंगे, ये दो भक्त देंगे उसको दो दो व्यक्ति खड़े हो जाओ हाथ में थोड़ा सा। आज जो कुछ आप लोग सेवा करना चाहिए।